तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। उसको अपना जी हां दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के नए अंदाज। फाइनली अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के एक शहर है जिसका नाम है ग्वालियर। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यानी कि हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम कल शाम को ही आ गए थे और आज शाम हो गई है फिर से। तो सुबह मैं गया था यहाँ का जो ग्वालियर का किला है उसका वीडियो बनाने, वो वीडियो आ जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ग्वालियर की मशहूर मार्केट बाड़ा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बाड़े की मार्केट यहाँ की ग्वालियर की सबसे बड़ी मार्केट है, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे काम है, वो क्या काम है मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। फिलहाल के लिए ये पीछे आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा यहाँ पे चौराहा है, और यहाँ पर हम सिंधे की छावनी पे मेरा होटल है, वहाँ से मैं यहाँ तक आ चुका हूँ अभी ऑटो से। और जिनको नहीं पता इस वीडियो के माध्यम से बता दूँ, जो ग्वालियर से देख रहे हैं सिंधे की छावनी से और बाड़े तक अब डायरेक्ट ऑटो नहीं आता, तो मुझे थोड़ी दूर पहले उतरना पड़ा, फिर वहाँ से पैदल आना पड़ा करीब 500 मीटर। चलिए मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस फाइनली अभी हम इस रास्ते से आए, आगे उस साइड 500 मीटर आगे ऑटो वाले ने उतार दिया था, और यहाँ पर एक श्री बालाजी महाराज ये मंदिर है, और बीच में पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है। इधर आप लोग देख सकते हो बीच में एक गार्डन जैसा बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं एक बार यहाँ पे और आ चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा शाम का वक्त है तो भीड़ भाड़ है यहाँ पे। देखिए पूरी पार्किंग है बाइक की, और उधर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो मैं आप लोगों को घुमाऊँगा, आप लोग वेट करिए। फिलहाल हम चलते हैं इस गली से, जो मुझे काम है वो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, मेरे को क्या काम है भाई। ये यहाँ से देखिए स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके की भी चीज़ें भाई यहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को, है ना। तो मैं इस गली से चलने वाला हूँ अभी। मार्केट काफ़ी बड़ी है, आज मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ, तो पहली बार मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो ये कुछ जल्दी जल्दी में मैं यहाँ पे भटका था आके, है ना। वैसे यहाँ पर हमने टिक्की पी ली है। टिक्की पी ली का मतलब यहाँ पे जो बतासे को हम लोग कहते हैं लखनऊ में ना अपने इधर, कि भैया बतासे खा लो, यहाँ कहते हैं टिक्की पी लो भाई, यहाँ टिक्की बोलते हैं। फिलहाल अभी ये मार्केट है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी शॉप आप लोग को मिल जाएगी। ये तो गृहस्थी का सामान है भैया, ये शूज फुटवेयर और भी काफ़ी शॉप है, जब मैं अपनी ढूंढ रहा हूँ ना वो मेरे को बस मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक हर जैसा, बीच में भी सामान पड़ा हुआ है यार। तो चलिए अब देखते हैं भाई कहाँ गई हमारी शॉप जिस पे हमें काम है, क्योंकि अभी मैं ढूंढ रहा हूँ भाई। तो भाई काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी घनी मार्केट है। इधर आप लोग को देख सकते हो फुटवेयर का सामान, मतलब जूता चप्पल चश्मे है ना, ये सब मिलेगा। अब चलते हैं उन दुकानों की तरफ जहाँ पे घड़ियाँ मिलती हैं। तो भाई क्योंकि मेरे को घड़ी एक्सचेंज करनी है, क्योंकि मैं यहाँ से पिछली बार आके ले गया था तो वो ख़राब हो गई, उसकी एक साल की गारंटी थी, तो मैं चेंज कर लेता हूँ, देखते हैं कोई लोचा तो नहीं होता भाई। और यहाँ पे देख सकते हो अभी कपड़े उपड़े नहीं दिख रहे होंगे ना, क्योंकि कपड़े का एक अलग पोर्सन है, वो मैं वहाँ चलूँगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। बाकी ये वॉच की शॉप है, इस पर भी मैंने पहली बार पिछली बार देखा था, यहाँ पर भी यह कपड़ों की शॉप मिल गई एक सामने, ऑप्टिकल्स की, इधर बैगर्स, और मेरे को जो काम है 799 अमित मोबाइल, ये क्या है, फाइनेंस अच्छा होता है यहाँ पे, इस साइड भी। और वो अंकल मेरे को दिख जाए, ये वाले हैं वो अंकल। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो चौराहे के बीचों बीच, बाड़े मार्केट के चौराहे के बीचों बीच काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे देखिए फाउंटेन वगैरह चल रहा है, और एक बहुत ही अच्छा एक ऐसे क्या कहेंगे इसको, इस बिल्डिंग को क्या कहेंगे पता नहीं, इसके अंदर किसी की प्रतिमा लगी हुई है, उसके ऊपर ये छावनी जैसी बनी हुई है, और यहाँ पे माता रानी की मूर्ति। तो अभी चलेंगे इधर, ये देखिए ये चौराहा पूरा है, इधर जो कि मैं गया था वॉच वगैरह या शूज़ वगैरह की शॉप ज़्यादा थी, अब वहाँ ले चलते हैं जहाँ कपड़ों वगैरह की मार्केट ज़्यादा है, मतलब लेडीज़ सामान मिलेगा वहाँ पर आपको, लेडीज़ वियर है ना, तो वो हम लोग इधर चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि यार यहाँ पर ज़्यादा भीड़, इसी वजह से मेन मार्केट एक तो ग्वालियर की और बहुत बड़ी है, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है ना। तो चलिए गाइस मैं कर चुका हूँ यहाँ पे इंटर मार्केट के अंदर दूसरी साइड में, सड़क के दूसरी साइड में अभी मैं हूँ, और यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे सामने तो जगमगाता हुआ वैसे ही नज़र आ जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे किस गली से चलूँ मुझे आप ये बता दो, एक से चलेंगे एक से निकलेंगे, एक तो ये है और एक ये है और एक वो, तीन है। तो चलिए पहले मैं दूसरी वाली से चलता हूँ। तो गाइस मार्केट के बाहर ही यहाँ पे नगर पालिका निगम है ग्वालियर का, उसका यहाँ पे कार्यालय बना हुआ है आप लोग देख सकते हो, और ये वो मेन बिल्डिंग रही जहाँ पे मैं अभी होके आया हूँ। और मैं चलता हूँ यहाँ बीच वाली गली से,
और फिर दूसरी गली से लौटूंगा तो यहाँ पे लेडीज वियर है सब कुछ। ये बीच में गोले वाले भैया पता नहीं कहाँ से आ गए, तो यहाँ पे मेरा घुसना थोड़ा सा अजीब है क्योंकि यहाँ पे सभी जो वस्त्र हैं और जो चीज़ें हैं वो लेडीज के लिए हैं और बच्चों के लिए हैं। मैं तो ऐसे ही घुस गया गोले वाले, देख सकते हो भाई चारों तरफ की शॉप। अब सस्ती या महंगी वो आप लोग यहाँ पे बार्गेनिंग के हिसाब से हो जाता है, तो चीप भी चीज़ें हैं, चीपेस्ट मार्केट भी बोल सकते हैं इसको। थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, बीच बीच में इस तरीके की गलियाँ भी बनी हुई हैं भाई, अतरंगी कपड़े। तो यहाँ से निकलते हुए हम लोग चल रहे हैं, वैसे आ गए थोड़ा सा, मतलब क्या करें गलियों में डिवाइड है, ज़्यादा लंबी लंबी गलियाँ नहीं हैं, बट हमें आगे भी दिख रही हैं। उसके बाद वहाँ ना चल के हम लोग यहाँ से टर्न करते हैं, इधर आ जाते हैं। ये देख लो आप लोग पूरा एक बार में मार्केट घूम लो अच्छे से। तो गाइस फाइनली अभी हम बीच से हम लोगों ने टर्न कर लिया था और हम हैं साइड वाली गली में, जिसको हम बीच वाली गली से तो होके आए थे और अभी साइड वाली गली में। आप लोग देख सकते हो बच्चों के लिए बड़ों के लिए, बहुत तेज एक दाम की तो शॉप है यार ये, मेकअप वगैरह भैया ब्यूटी प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी ब्यूटी प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी ब्यूटी, यहाँ पे कपड़े हैं बच्चों के लिए, खासकर बच्चों की शॉप है ये देख सकते हो। और आगे थोड़ा सा और चलेंगे तो पीने का पानी ठंडा होगा तो मैं भी पी लूँगा, पर नहीं पी पाऊँगा मैं। यहाँ पे भी शॉप है, मतलब हर क्वालिटी के कपड़े लत्ते सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो अच्छा, तो वहाँ चौराहे पे भी बहुत पार्किंग थी और यहाँ पे भी बहुत पार्किंग है यार। बच्चों की साइकिल वगैरह देखो नहीं है भाई, ले जाना आप लोग यहाँ से आके, टेडी बियर वगैरह बहुत सारे। इधर थोड़ा सा डिफरेंट लगा मेरे को, वहाँ पे तो कपड़े वपड़े ज़्यादा थे बट यहाँ पे कुछ अलग ही है। आप लोग फ़ोन में देखते जाइए भाई वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए खिलौनों के भी शॉप यहाँ पे हैं और लेडीज़ के लिए तो यहाँ पे भरी पड़ी है शॉप। इधर भी चलेंगे क्या, इधर चलेंगे तो इधर भी शॉप है भाई, बहुत गलियाँ हैं यार ब्यूटी प्रोडक्ट। तो भाई जैसा कि फाइनली आप लोगों ने देखा है कि अभी मैंने जो यहाँ की बाड़े की मार्केट है ग्वालियर की, वो हमने आप लोगों को शॉर्ट में दिखा दिए। वैसे हर शॉप पे जाके मैंने रेट वगैरह तो कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि यार देखो अगर आप किसी भी मार्केट में या जाके किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे सब कुछ बार्गेनिंग के हिसाब से चलता है, ठीक है, या तो फिर लिखा हो सीधा एक दाम। तो यहाँ कुछ दुकानें थी जिन पे एक दाम में लिखा था कि कितना है, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बार्गेनिंग करके अपना काम चला सकते हो, यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने अगर देख लिया है, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चाहिए, पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में का पहला कर दूंगा पे क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम पर अभी तक आपको फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।